Now, in this question of the honorable, this is the A. Now, according to this question, now you have to write down the first line. Two APs have same common difference. Now, let small AB the first term of an first AP and let a small b be the first term of second AP with their common difference be same. Dear, इसीलिए THEIR dear first AP के लिए भी आ गया और second AP के लिए भी आ गया, लेकिन दोनों के आपका नाम देखो दिस इज ए फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म है और second आपका AP का जो फर्स्ट टर्म है वो हमने क्या कर लिया B ले लिया B, ये देखिए आपका, लेकिन दोनों के कॉमन डिफरेंस आपका डिफरेंस है अपन या कॉमन डिफरेंस है D, आपका नाम आर से आर सेम लिख देते हैं, नहीं तो कई बच्चे तो इसका मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे आपका नाम देखो दिस तो देखो एपी ऑफ फर्स्ट सॉरी फर्स्ट एपी सॉरी आपका देखो नाम दिस टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी लिख सकते हैं आपका देखो फर्स्ट टर्म ये देखिए अगर ये सेकेंड टर्म ये देखिए ये थर्ड टर्म ये देखिए और ये आपका नाउ ये आपका फोर्थ टर्म ये भी आपका इनफाइनाइट एपी आपका बना ये देखिए टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी दिस बी बी प्लस डी बी प्लस टू डी एंड बी प्लस थ्री डी क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस दोनों के सेम है एपीज आर डिफरेंट आपका नॉट अबाउट दिस इसका मतलब अब आप जरा देखो इसका थर्ड एंथ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी जो होगी वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी होगा और टर्म ऑफ अगर आपका इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड एपी तो आपका ये आपका बी एन इज इक्वल टू बी प्लस एन माइनस वन इनटू डी क्लियर है अब आपका देखना ये हो गया अब यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू आपका नाम कंडीशन द डिफरेंस बिटवीन दियर हंड्रेड टर्म इज हंड्रेड The difference between the 100 term is a kind of 100 the condition. Why I have written this one? ये इसीलिए लिखा करना दो. N is equal to आप जब 100 रखेंगे तो ना देखो when मतलब इसका दो. A 100 minus B 100 is equal to इसको आप आगे भी लिख सकते हैं लेकिन जो एपी हमने पहले लिखी है उसको पहले लिख दीजिए अब इंग्लिश में भी अगर आप लॉजिकली कहेंगे तो आपका ऐसे तो आएगा नहीं आपका नाम बी फिर ए डी सी एफ ई भाई वो तो सीक्वेंस से आएगी ना ए बी सी डी एफ ऐसा ठीक है ऐसे हमने इसको सीक्वेंस से ले लिया आपका ठीक है ना क्योंकि कई बार बच्चे आते सर 100 टर्म है ये कोई जरूरी नहीं कि ए 100 माइनस बी 100 हम लिख आप लिख सकते हैं तो जब आप बी 100 माइनस ए 100 लिखेंगे तो यहाँ भी उनका जो 1000 वाला जो आएगा वो भी आपका फिर आपको बी 1000 माइनस ए 1000 लिखना पड़ेगा गेटिंग माय पॉइंट सर आप लोग दस तो ये आपका कंडीशन होगी सर आपका नाम लोग दस आप ए 100 अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं एंड बी एन इज इक्वल टू बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते हैं
आपका देखो ए फर्स्ट ए पी के लिए आपका नाम ए लिखिए, तो दिस द ए 100 इज इक्वल टू ए प्लस 100 माइनस 1 इनटू डी हो जाएगा। और सेकंड ए पी के लिए अगर आप देखेंगे आपका देखो ना दिस बी 100 इक्वल टू बी प्लस 100 माइनस 1 इनटू डी आ जाएगा। कोई शक है तो बताइए। ओके तो ना इसके जगह में देखा ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस दिस इज अ माइनस, ये डिफरेंस का है। सो ना व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ दिस बी 100 विल बी केप्ट आपका इनसाइड आपका ना ये ऐसे ये ब्रैकेट, तो ना देखो दिस बी प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू आपका देखो 100 हो जाएगा। तो ना ए प्लस 99 माइनस बी ये ऐसे अब अभी है और आपका देखो प्लस 99 इक्वल टू आपका देखो 100 ए प्लस 99 माइनस बी माइनस 99 माइनस प्लस का माइनस प्लस का इसे बोलो आपका नाम देखो 100 99 से 90 बी तो देखो ए माइनस बी इसे बोलो सो द डिफरेंस ये कह रहा सो द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एपी इज आल्सो 100। क्लियर हो गया सर आपका नाम? आप देखो अब ये कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। फिर वही अब यहाँ पे है तो यहाँ पे अब आपका देखो ये किया तो देखो अब n इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 1000 रखेंगे ये आपका हो जाएगा ये 1000 यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ऐसे आपका सेकेंड ए पी के लिए अपना होगा और यहाँ पे अपन ए माइनस वन हो जाएगा n इज इक्वल टू आपका 1000 रखेंगे। ओके सुनो पहले तो आप लिख दीजिएगा ए 1000 माइनस बी 1000 की वैल्यू क्या होगी What will be? आपका नाम देखो दिस ये इनके थाउजेंड्स क्या होगा आपका ए 1000 का होगा ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू बी। ओके सर माइनस बी के लिए आपका देखो बी प्लस 1000 माइनस 1 ओके इंटू डी इसकी वैल्यू निकाल दो सर चलो दिस ए प्लस 900 99 और माइनस ये बी और ये भी आपका देखो माइनस क्योंकि माइनस प्लस का होगा ए माइनस बी ए माइनस बी देख रहे हैं इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी 100 होगी सर। क्लियर हो गया इसका मतलब क्या हो गया? अब सर यहाँ पे ये क्या किया आपने आप कहेंगे मैं कहूँगा कि बेटे आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार चला देखो फिर देखिए ये जो है क्वेश्चन इसकी जगह मैं अब आपको यहाँ इक्वल इसकी जगह मैं क्या लिख सकते थे ए प्लस दे सकते ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी और माइनस ए बी की जगह बी और प्लस 1000 माइनस 1 इंटू ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब आपके समझ में बिल्कुल आपका क्लियर आ जाएगा इक्वल ए प्लस दिस 999 डी आपका ना माइनस माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस 999 डी हो गया सर ए 1000 अभी देखो ये क्लियर फिगर आपके समझ में इक्वल ए माइनस बी हो गया ए 1000 माइनस बी 1000 एंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज व्हाट अब देखो क्लियर What is the difference between the 1000 terms? That is also 100. Is it clear, sir? Now, please do it.